दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की खबर पाकिस्तान के लिए एक और नया इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। इसके बाद पाकिस्तान खुलकर किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो काफी ज्यादा तेजी से विकास कर पाती है, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, जिसमें डिफेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के साथ साथ एविएशन सेक्टर का नाम भी आता है। और ये किसी को भी की जरूरत नहीं है कि भारत का एविएशन सेक्टर कितना ज्यादा मजबूत है। लेकिन जहां एक तरफ भारत एक साथ 500 एयरक्राफ्ट तक खरीद रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पास मौजूद 81 सिविल एयरक्राफ्ट में से एक को भी सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास मौजूद 81 एयरक्राफ्ट में से 77 विमान को पूरी तरह से ग्राउंड कर दिया गया है। मतलब ये विमान अब बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर सकते, और ऐसा अनिश्चित काल के लिए किया गया है। दोस्तों, इस कदम के पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास आने वाली गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। मतलब एविएशन फ्यूल जिसके दम पर कोई भी विमान उड़ान भरता है, अब पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वे अपने एयरक्राफ्ट में तेल भी भर सके, जो कि साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी को पिछले काफी लंबे समय से एविएशन फ्यूल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी है। देखा जाए तो यह होना कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 750 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान आने वाले समय में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में इन 77 विमान को जमीन पर खड़ा हुआ देखकर मजाक बनाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब भारत में आए अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को वापस बुला भी पाएगा, या फिर उन्हें भारत में ही छोड़ने का इरादा है। खैर, ये तो कोई मजाक की बात है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। अभी तो हम बस यही सुन रहे हैं कि इन 77 विमान को ग्राउंड किया गया, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो विमान हवा में मौजूद है उनकी क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। चाहे पाकिस्तान एयरलाइंस में सर्व किया जाने वाला खाना हो या फिर इनकी एयरलाइंस की सेफ्टी प्रोटोकॉल, सभी पर लगातार सवाल उठाए जा सकते हैं। उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेकर पूरी दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करता, जिसकी वजह से अधिकतर लोग अब पाकिस्तान जाना ही बंद कर चुके हैं। ये बात भी काफी हंसने वाली है कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत के साथ युद्ध लड़के कश्मीर हासिल करने के बयान दिया करता था। यहाँ तक कि इस पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किया और आतंकवाद को समर्थन दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद के देश में विमान भी नहीं उड़ा पा रहे और जमीन पर लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। वहीं इन्हीं सब के बीच में दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब अबाबिल मिसाइल का परीक्षण करने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने गौरी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल अबाबिल की तरह ही एक मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान की इस सफलता को लेकर कोई भी खास उत्साहित नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के पास अपने सिविल एयरक्राफ्ट उड़ाने के पैसे नहीं है और दूसरी तरफ परमाणु मिसाइल का ही परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता के ऊपर अब एक बड़ा सवाल खड़ा किया जाने लगा है। इसके अलावा कि पाकिस्तान की मिसाइल जरूरत पड़ने पर उड़ान नहीं भर सकती, एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो MIRV क्षमता बताता है, शायद वह असल में मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि उनकी अबाबिल मिसाइल के अंदर ये एडवांस खूबी मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। दरअसल बात यह है कि ये काफी बड़ी क्षमता है और इसका इस्तेमाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में किया जाता है, जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से लेकर 20000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए क्योंकि इन मिसाइल का टारगेट काफी बड़ा होता है और उनके अंदर एक ही मिसाइल के जरिए काफी अलग अलग टारगेट को तबाह करने की क्षमता होनी जरूरी है। लेकिन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर MIRV को इंटीग्रेट करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इसका कुछ खास मतलब भी नहीं बनता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने पास मौजूद सिविल एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं दे सकता, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट अब पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता के ऊपर संदेह करना शुरू कर चुके हैं, और वह समय दूर नहीं जब हमें असलियत का पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पाकिस्तान की इस दयनीय हालत के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।